एशिया के बेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर शेख जिनके सेक्सुअल हेल्थ क्लिनिक मथुरा आगरा अलीगढ़ फिरोजाबाद के बाद अब बरेली के मौलियों की पुलिया बैंक ऑफ बड़ौदा सैटेलाइट रोड बरेली में भी सेक्स रोगियों को सेवाएं दे रहे डॉक्टर शेख से आज हमारे संवाददाता ने सेक्स से संबंधित रोगों के बारे में जानकारी की, जिस पर गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर शेख ने सेक्स से संबंधित रोगों और उनके इलाज की जानकारी देते हुए बताया। सर, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम मुझे खासतौर से डॉक्टर शेख के नाम से जाना जाता है और मैं एक GMS डॉक्टर हूँ, आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर हूँ। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज देश में तेजी से सेक्स की प्रॉब्लम बढ़ रही है और विशेषकर युवाओं में, क्या कारण है? देखिए, जो सेक्सुअल जो प्रॉब्लम बढ़ रही है खासतौर से युवाओं में, और हम भी तकरीबन 40 साल से चिकित्सा कार्य कर रहे हैं, तो पहले एक ज़माना था तकरीबन 98 से पहले हमारे पास जो भी क्लिनिक पर मरीज़ आया करते थे वो एक उम्र हुआ करती थी भाई 35 के बाद, 40 के बाद या 50 के बाद आया करते थे जिनका अंदर सेक्सुअल वीकनेस। लेकिन आजकल तकरीबन 10 सालों के अंदर उल्टा हो गया है। आजकल हमारे पास 18 साल 20 साल 25 साल 30 साल तक के नौजवान आ रहे हैं। उनकी मुख्य वजह जो है खान पान का होना है, गड़बड़ खान पान है, फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना है और जो दिनचर्या हमारी वो ख़राब होना है। और मेन चीज़ जो फास्ट फूड हम यूज़ कर रहे हैं या फोन का हम खास तौर से मूवी वगैरह देख रहे हैं, एडल्ट मूवी वगैरह देख रहे हैं, उनके साइड इफेक्ट होते हैं, उनकी वजह से इस तरीके से सेक्सुअल समस्याएं बढ़ रही हैं और नौजवान इसकी ग्रस्त में आ रहा है। डॉक्टर साहब, क्या कारण है कि आदमी की सेक्स पावर में कमी पिछले 20 सालों में तेजी से बढ़ी है? देखिए, मेन चीज़ तो जो खास तौर से जो मैंने जिस तरीके से आपसे कहा है कि सबसे बड़ा मुख्य कारण जो है हमारी जो रहन सहन है उसमें बदलाव आया है कि हम फिर जो है थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कम करना शुरू कर दिया। दूसरा क्या है कि जो हमारे खान पान के अंदर जो मिलावट आई है वो सबसे मुख्य वजह है। दूसरी बात, जिस तरीके से जियो ने डाटा फ्री दिया था स्टार्टिंग में और छोटे छोटे बच्चे 10-10 साल के 12-12 साल के बच्चे फ़ोन इंटरनेट यूज़ करने लगे, उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आए हैं और उन्हीं की वजह से तमाम सेक्सुअल बीमारियां आई हैं। और ख़ास तौर से जिस तरीके से नेट और इंटरनेट का ज़माना हुआ उसी की वजह से आजकल आदमी कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, कंप्यूटर की रेंज की वजह से अल्ट्रा वाइलेट रेंज है तो उसकी वजह से नपुंसकता आती है, शुक्राणुओं की कमी आती है जिससे कि बाप बनने में और औलाद के होने में भी दिक्कतें आ रही हैं। तो खासतौर से एक रीज़न नहीं, कई रीज़न है, खासतौर से हमारा जो खान पान है वो एक मायने बहुत ज़्यादा रख रहा है। डॉक्टर साहब, जैसे कि बांझपन, इसका प्रचार प्रसार बहुत होता है लेकिन लोगों को उन जगहों पर फायदे नहीं मिलते हैं, इसका किस तरह? देखिए, एक्चुअल में सच्चाई ये है कि मैंने जैसे कहा कि मैं तकरीबन इस काम कार्य के अंदर 40 साल से काम कर रहा हूँ, तो एक ज़माना था और ख़ास तौर से आज भी देहात के अंदर है, जैसे ही शादी हुई 2 साल हो गए, 3 साल हो गए और यहाँ तक कि 4 साल हो गए, 4 साल होने के बाद में आसपास एक चर्चाएँ होना शुरू हो जाती और घर में खुद माँ बाप चर्चा करने लगते, भाई उसकी शादी तेरे बराबर 2 साल पहले हुई थी, तेरे साथ हुई थी, उनके यहाँ 2 बच्चे हो गए, तुम्हारे यहाँ एक भी बच्चा नहीं है। तो उसके बाद होता क्या था कि जो सारा कसूर था वो महिला का था, लेडीज़ का था, और ख़ास तौर से जो गाँवों के अंदर आज भी देहात के अंदर और शहरों के अंदर भी दाइयाँ होती हैं तो महिला को दिखाते थे और दिखाने के बाद में एक ही शब्द आया करता है कि बस इस महिला के पेड़ों पर सूजन है, और पेड़ों की सूजन का है 2-2, 4-4, 6 महीने इलाज होता था लेकिन होना कुछ नहीं था, किसी को हो जाता जो कमी थी उनको हो भी जाता था लेकिन ज़्यादातर को नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से लोग बाग जागरूक हुए, जिस तरीके से लोग बाग पढ़ाई लिखाई में आ रहे हैं और पढ़ लिख रहे हैं और डॉक्टर्स की भी जो है डॉक्टर से बात, पहले क्या डॉक्टर से खुलकर इस चीज़ के बारे में सेक्सुअल समस्या को लेकर किसी भी तरह की, चाहे इंपोर्टेंसी है, नामर्दी है, शीख वतन है, सुजाक है, शपन दोष है, शुक्राण, इन चीज़ के बारे में बात करने में आदमी घबराता था, क्लिनिक पर आने में घबराता था। हमारे यहाँ क्लिनिक पर बताता था कि नाम भी गलत लिखा दिया करता था, भाई मेरा ये नाम है, और ये कहता था बताना मत, किसी को मत बताना। तो ख़ास तौर से उसकी मुख्य वजह यही हुआ करती थी, वो खुलकर बात नहीं करते। लेकिन ज़्यादातर जहाँ तक मेरा मानना है, अगर जो लोग बाग इनफर्टिलिटी केस की शिकायत है, बचपन की शिकायत, जिनकी शादी को 2 साल 4 साल 6 साल हो चुके और उनको बच्चा नहीं हुआ, तो सबसे आसान तरीका है किसी अच्छे डॉक्टर से मिले, जाकर मिलने के बाद में अपनी जाँच कराएं। और सबसे आसान जाँच जो है पुरुष की होती है, वो अपने सीमन की एनालिसिस कराए, वीर की जाँच कराए, उसमें ये मालूम चल जाता है कि उनके वीर के अंदर शुक्राणु हैं
या नहीं है, और हैं तो कितने परसेंट है, और अगर नहीं है तो नील तो नहीं है। उसके बाद में अगर आदमी की रिपोर्ट सही आती है, उसके बाद अपनी मिसिस की जांच करा लें, उसको अल्ट्रासाउंड होता है, उसको मालूम चल जाता है कि भाई एमसी डेट वगैरह सही आ रही है नहीं आ रही, बाकी बच्चेदानी कैसी है, दूसरा क्या है उसकी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है, और अंडा बन रहा है नहीं बन रहा, अगर बन रहा है तो फर्टिलाइट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इस तमाम जाँचें होने के बाद में एक निष्कर्ष पहुँच जाते हैं, तो उसका आसानी से इलाज हो जाता है। उसकी मुख्य वजह यही होती है जो आजकल लेट हो रहे हैं, एक तो शादी लेट होना शुरू हो गई है, शादी लेट की वजह से ख़ास तौर से इसमें भी दिक्कत आती है। दूसरी बात क्या है कि महिलाएं भी ख़ास तौर से आजकल जिस तरीके फैशन चला है, जैसे पहले एक ज़माना था तो महिला जिस वक्त डेट शुरू हुआ करती थी, एमसी शुरू हुआ करती थी, तो उस वक्त वो ठंडा पानी पीना बंद कर दिया करती थी, नहाना बंद कर दिया करती थी, बाल धोना खासतौर से वर्जित है इसमें। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको 2 साल 3 साल हो गए हैं और आप डेट हर डेट के टाइम पर सिर्फ सफाई के नाम पर आप जितना ठंडा पानी का इस्तेमाल करेंगे, रोज़ाना नहाना करेंगे, सिर को धोएंगे, तो आपकी जो डेट है वो गड़बड़ा जाएगी। तो इसलिए मैं खासतौर से उन दिनों में खासतौर से गर्म पानी का पिया करें, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, जिससे कि डेट का जो मल है, जो खून है, गंदा खून है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से निकल सके और आपको जो भी दोष है वो दूर हो सके, तो इससे आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी और इन चीज़ों का इलाज है। ऐसा ना करें, मैं आपके चैनल के ज़रिए से कहूँगा कि तमाम लोगों से अपील करूँगा, अगर आपकी शादी को 2 साल 3 साल 4 साल हो गए और बहुत जगह इलाज करा करा कर परेशान हो चुके हैं, तो आप हमारी क्लिनिक पर आकर हमसे मिल सकते हैं, इस चीज़ का समाधान है। डॉक्टर साहब, जैसे कि डायबिटीज़ तेज़ी से देश में बढ़ रही है और डायबिटीज़ का इफेक्ट ये हो रहा है कि लोगों की सेक्सुअल पावर कम हो रही, क्या कारण है? देखिए, ख़ास तौर से मैं आपको बता दूं कि देश का एक डाटा ICMR का डाटा है, इस वक्त जो है तकरीबन देश के अंदर 13 करोड़ डायबिटीज़ के पेशेंट हैं इस तरीके से, और डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इंडिया हब बनने वाला है डायबिटीज़ का। तो ख़ास तौर से मेरा मानना ये, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में और इस चीज़ों का इलाज करता हूँ, तो मेरा मानना ये है कि जिन पेशेंट को, क्योंकि प्रमेह में से ही मधुमेह बनती है, एक बीमारी होती है जो धातु वगैरह जिनमें इन्फेक्शन हो जाता है, UTI इन्फेक्शन हो जाता है, उनको ही डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो डायबिटीज़ जिन लोगों को होती है तो उनको तकरीबन 100 में से 98% पेशेंट को सेक्सुअल वीकनेस आना ही आना, क्योंकि वीर जो होता है, धातु जो होती है, बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, उनके अंदर जो वीर का लार्वा बन जाता है, चिपकन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसके अंदर इसलिए, और नसों के अंदर जो हमारी पेनिस की नसें होती हैं, लिंग की जो नसें होती है, उनके अंदर पानी जमा हो जाता है, उसकी वजह से नसों के अंदर वीकनेस आ जाती है। और ख़ासतौर से मैं डायबिटीज़ के पेशेंटों से ये कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि डायबिटीज़ की वजह से आपकी सेक्सुअल वीकनेस हो रही है, तो ख़ासतौर से डायबिटीज़ के इसका चीज़ का कोई इलाज नहीं है। डायबिटीज़ कोई कंट्रोल तो की जा सकती है, इसका मुकम्मल कोई इलाज आज तक नहीं बना है। तमाम दावे होते हैं, तमाम हम नेट इंटरनेट सर्च करते हैं, जैसे ही खोलते हैं भाई डायबिटीज़ को ख़त्म, लेकिन आज तक कोई ऐसा पेशेंट नहीं मिला उन्हें ये कह सके भाई मैं पूरी तरीके से हमें साइकिली मेरी दवा, यहाँ तक कि एलोपैथ में ये ज़रूर है कि आप आज एक गोली खा रहे हैं, एक महीने बाद 2 गोलियाँ होंगी, इस तरीके से ज़िंदगी भर खाएंगे, और खाते खाते 3 साल बाद 4 साल बाद 6 साल बाद आपकी किडनी फेल होना लाजमी है, आपका डायलिसिस पर जाना पहुँचना लाजमी है, और दूसरा क्या है कि आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ना ज़रूरी है। तो इसलिए खास तौर से डॉक्टर्स जो एलोपैथी वाले डॉक्टर्स जो इलाज तो करते, लेकिन ये नहीं बताते कि डायबिटीज़ में ये परहेज़ ज़रूरी है। ज़्यादातर वो मीठे का परहेज़ कर देंगे, भाई मीठा नहीं खाना है, चाय नहीं पीनी है, जबकि रोटी आज सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, जिन चीज़ों के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है वही डायबिटीज़ को बढ़ने के लिए, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें डायबिटीज़ पेशेंट के लिए जहर हैं, जब तक वो इसको दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर देंगे उनकी डायबिटीज़ किसी सूरत में कंट्रोल नहीं होगी। तो मैं आपके चैनल के जरिए डायबिटीज़ के पेशेंट से कहना चाहूँगा कि आप खास तौर से एक तो एक्सरसाइज को ज़रूर करें, सुबह जगने से सबसे पहले एक्सरसाइज करें, जिससे कि आपके बॉडी के अंदर से पसीना निकल सके, और जब पसीना निकलेगा तो आपका जो अग्नाशय जो वो वर्क करना शुरू हो जाएगा, आपको इंसुलिन बनाना रिलीज करना शुरू कर देगा, तो आपको कंट्रोल हो सकता है। दूसरी बात ये, किसी भी सूरत में बेकरी के प्रोडक्ट, जैसे कि आजकल हमें हर आदमी को लत पड़ गई है, जगते ही बैटरी की आदत पड़ गई, और बैटरी के साथ में बिस्कुट, ये इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट चीनी मिली हुई आप समझते हैं, रोटी हम खा रहे हैं, रोटी हमारी माँ बहन बेटियाँ क्या करती हैं, आजकल सिर्फ चमक वाली रोटी चाहिए, एकदम वाइट रोटी चाहिए, मुलायम रोटी चाहिए, तो होता क्या है कि जो आटे बनते हैं वो आटा है ही नहीं, वो मैदा है और चावल उनके अंदर मिला हुआ होता है, उसके अंदर फाइबर नाम की चीज़ ही नहीं है। आप अगर आपके घर में कोई भी डायबिटीज़ का पेशेंट है तो ख़ास तौर से आटे को एक तो छाने नहीं, और छानते भी हैं तो उसके अंदर ख़ास तौर से ये जो अपना आटा अलग पिसवाएं, उसमें जौ का इस्तेमाल कर सकते हैं, मूँग का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कुछ भी ना करें तो ख़ास तौर से जिस वक्त आटे को आप बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, तो आटे के अंदर आप बेसन मिलाना ज़रूर शुरू कर दिए, इससे काफ़ी हद तक आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी।
दोपहर तक आप जो नाश्ता करते हैं उसमें अंकुरित आहार ले सकते हैं, अंकुरित अनाज ले सकते हैं, फल कोई भी ले सकते हैं, जो मीठे से मीठा फल है वो आप इस्तेमाल करते हैं, आपकी डायबिटीज किसी भी सूरत में नहीं बढ़ेगी। जहाँ तक दोपहर में लंच का सवाल है, लंच के सवाल में लंच पे आप जो है सैलेड का इस्तेमाल करें, इसमें गाजर आप ज़्यादा, अगर चार रोटी की भूखे तो दो रोटी की जगह आप जो है आपको फल सब्जियाँ लेनी, चाहे उसमें गाजर हो, मूली हो, कोई भी खीरा हो, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पानी ज़्यादा होता है, आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। उस तरीके से रात में आप दो रोटी खाते हैं, दो रोटी की जगह दो रोटी, चार रोटी की जगह दो रोटी खाइए, और उसकी जगह अगर दलिया इस्तेमाल करना उसको, और ख़ासतौर से तलबीना जिसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जौ का दलिया जो हज़ारों बीमारियों की शिफा है उसको पहुँचाता है, तो आप दलिया खाना शुरू करें तो इस तरीके से अगर आप करेंगे और इन चीज़ों से बचेंगे और इन चीज़ों को परहेज करेंगे और ये सोच कर करेंगे भाई हमें ये चीज़ खानी है, अगर अपने ऊपर कंट्रोल करें तो डायबिटीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। हमने एक पाउडर बनाया हुआ है अपना और हज़ारों नहीं लाखों मरीजों पर हमने इस्तेमाल किया है, इसका नाम है सहर डायबिक और पाउडर। कितने ही डायबिटीज़ रहती हो आपकी, 500 रहती हो, 600 रहती हो, 800 रहती हो, आपको दिन में दो बार, तीन बार, तीन तीन दो दो यूनिट आपको इंसुलिन लगते हो, किसी तरीके से डायबिटीज़ का इलाज नहीं हो पा रहा हो और कंट्रोल नहीं हो पा रही हो, तो इस पाउडर को आप हमारे यहाँ से मंगा कर खाइए। मेरा मानना है 2 से 3 महीने के अंदर इंसुलिन के इंजेक्शन लगना भी बंद हो जाते हैं। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स में आपका भी एक बड़ा नाम है हिंदुस्तान के अंदर और इसी बिना पर आपको गोल्ड मेडल दिया गया है, तो वो कौन सी ऐसी दवाई आपने याद की है, कौन से ऐसे रोग के लिए जो आपने कार्य किया था, शोध किया था, जिसके लिए आपको गोल्ड मेडल दिया गया? देखिए मैं आपको ये बता दूं कि ये गोल्ड मेडल बात, गोल्ड मेडल मुझे 3 बार मिला है, एक बार 98 में मिला जो है मुझे जो है हरियाणा सरकार ने दिया और 2 बार कई एनजीओ ने दिया, और तकरीबन मेरे पास इस वक्त बेस्ट सक्सेसफुल एशिया, इंटरनेशनल, नेशनल तकरीबन जो है 60 से 65 अवार्ड हैं, और इसी महीने में, अगस्त के महीने में 28 तारीख को अभी दिल्ली में एक प्रोग्राम में मुझे बेस्ट सक्सेसफुल ऑफ इंडिया के नाम से मुझे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दूसरी बात जहाँ तक बात है कि ऐसी कौन सी दवा है, तो दवा एक्चुअल में क्या है कि मैंने अपना यहाँ पर जो है एक जिस तरीके से हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर आयुर्वेद यूनानी का एक दबदबा रहा है, लेकिन लोगों ने उसको हट गए, उनसे नाम के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको दबाने की कोशिश की, भाई ये इल्म मेरे पास इसको मैं छुपा लूँ किसे, तो हमारे यहाँ एक अरसे से चिकित्सा होती रही है, हिकमत होती रही है, लेकिन मैं 1990 के बाद में इस आयुर्वेद को अपने तरीके से शोध किया है और हमने एक फार्मेसी का गठन किया, फार्मेसी बनाई, अपना एक बोर्ड बनाया जिसको हमने एक प्रयोगशाला बनाई और हमने फार्माकोपिया के हिसाब से उन जड़ी बूटियों को जो हज़ारों साल पहले हकीम और आयुर्वेदाचार्य इस्तेमाल किया करते, उन्हीं जड़ी बूटियों को लेकर हमने शोध संस्थान बनाई और उन तमाम प्रोडक्टों को हमने भारत सरकार से अप्रूव कराया। अप्रूव कराने के बाद में ऐसी हमने तकरीबन 50-55 दवाएँ बनाई, जो दवा जिन बीमारियों को जिस तरीके से कहते हैं कि जॉइंट पेन का कोई इलाज नहीं है, हम कहते हैं इसका 5 से 6 महीने में ठीक हो जाएगा, डायबिटीज जिसका कोई इलाज नहीं, हम कहते हैं 4 से 3 महीने में डायबिटीज हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी, कुछ लोग बात कहते हैं कि जैसे कि हार्ट के पेशेंट है, कि तमाम उन क्रॉनिक डिसीज़, तमाम उन वो क्रॉनिक डिसीज जिसका आयुर्वेद के अंदर, एलोपैथिक के अंदर कोई इलाज नहीं है, ऐसी डिसीज जिनको एलोपैथिक दवाएं क्या कि डॉक्टर्स कह देते हैं भाई इसका तो ऑपरेशन ही ज़रूरी है, तो हमारा मानना है हमने उन बीमारियों पर काम किया और उन बीमारियों पर उन दवाओं का काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा सफलता मिली। डॉक्टर साहब जैसे कि जो युवा गलत हरकतों में पड़ जाते हैं और उनकी लाइफ ख़राब हो रही है, उन लोगों के लिए क्या संदेश? देखिए ख़ास तौर से बहुत अच्छा सवाल किया और हमारे पास जो ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर हमारे पास कमेंट भी आते हैं और यूथ के बहुत ज़्यादा आते हैं, मैं ख़ास तौर से और मैंने बहुत वीडियो डाली हैं जिनमें हमने कहा है कि हम यूथ को अवेयरनेस करने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, अभी एक यूट्यूब चैनल है और उस पर मेरे ख्याल से कई मिलियन व्यू आए उस उनकी वीडियो पर जो है, मेरा इंटरव्यू दोस्त कास के नाम से उनका एक यूट्यूब चैनल है और उस पर मेरा एक इंटरव्यू है तकरीबन, और उन्होंने मेरे काट काट कर 50 वीडियो डाली हैं और काफ़ी मिलियन में उनको व्यूवर्स मिले, तो ख़ास तौर से यूथ जो हमारा, ख़ास तौर से मैं जैसा पहले भी कहा था, ख़ास तौर से यूथ जो मास्टरबेट करता है, तो मास्टरबेट एक आदमी अजीब संशय में पड़ गया, जैसे ही हम नेट खोलते हैं, इंटरनेट खोलते हैं, अगर कोई डॉक्टर्स के पास, एलोपैथ डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो कहते हैं मास्टरबेट करना कोई बुराई नहीं है और दुनिया का हर आदमी जो पैदा होता है लगभग कम ज़्यादा कम अवेश जो है मास्टरबेट करता ही करता है,
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जहाँ तक बात डॉक्टर शेख की बात आती है, आपने मुझसे कहा कि आप इसके बारे में अपनी राय दें, तो मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से एलोपैथिक डॉक्टर ये कहते हैं कि मास्टरबेट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये नहीं किसी ने बताया कि कितनी बार महीने के अंदर अगर आप मास्टरबेट करेंगे और किस तरीके से मास्टरबेट करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। मेरा मानना यह, अपना तजुर्बा मानना यह है कि अगर कोई बच्चा अगर शायद उसकी उम्र जो है 20-22 साल 25 साल है और उसकी शादी नहीं हुई है, या किसी का शादी हो चुकी है और किसी काम से वो बाहर रहता है, अपनी मिसेज के साथ संपर्क में नहीं है, इंटरकोर्स नहीं कर पाता, इंटीमेट नहीं हो पाता है, और उसको बहुत ज़्यादा एक सेक्स की तलब होती है और वो सेक्स की तलब की वजह से मास्टरबेट करता है, तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के जरिए से यूथ के तमाम यूथ से कहना चाहूँगा, अगर आप एक महीने के अंदर 3 से 4 बार मास्टरबेट करते हैं तो इससे कोई परेशानी नहीं है, किसी तरीके से नुकसान नहीं है। हाँ, अगर आप मास्टरबेट उस तरीके से करते, ज़्यादातर यूथ क्या करता है हमारा कि लत लग जाती है जिनको, वो तो एकांत ढूंढते हैं, जैसे ही अभी घर में सोए अकेले चले गए, रसोई में चले गए, बाथरूम में चले गए, अलग चले गए, ऑफिस में काम कर रहे तो किसी काम के बहाने से बाथरूम में चले गए और जाकर मास्टरबेट करें, तो जो अति जो होती है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, और ख़ास तौर से अति के साथ भी क्या करते हैं यूथ जो है हमारा, क्योंकि उस उम्र में ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, उत्तेजना बहुत ज़्यादा होती है, काम वासना बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अपने पेनिस के साथ छेड़छाड़ करता है, वो ताकत देखता है, मोड़ देखता है कि कितनी ताकत है, ये कहते हैं आम भाषा में हड्डी हो गया, इस तरीके से पावर आ गई, ये दीवार इतनी हो गया कि दीवार में, तो ये चीज़ जो अब जिस वक्त हम इन हरकतों को अपने पेनिस के साथ करते हैं, तांसुलाजा के साथ करते हैं, इंद्री के साथ करते हैं, लिंग के साथ करते हैं, तो होता क्या कि हमारी पैनल की जो नसें होती हैं, इसके अंदर कोई हड्डी तो होती नहीं, नसों का जाल होता है जो ब्लड का फ्लो, तो वो पैनल जो है हमारा पैनल फ्रैक्चर हो जाता है और नसों के अंदर ब्लड के क्लॉट्स जम जाते हैं, उसकी वजह से बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, वो नपुंसक बन जाते हैं, नामर्द बन जाते हैं, इम्पोर्टेंस हो जाते हैं, और जब शादी होती है और तो उसके बाद उनका जो खामियाजा जो है उनको भुगतना पड़ता है, उनके नसों के अंदर ताकत नहीं होती, ताकत भी होती है तो वीरपात बहुत जल्दी हो जाता है, सीख बताने 1 से आधा मिनट में उनका वीर निकल जाता है, तो उससे उनका वैवाहिक जीवन गड़बड़ होता है।